इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, विपक्षी सांसदों की दलों की बैठक हुई है, क्या कुछ तय हुआ? सरकार ने बैठक बुलाई थी बातचीत के लिए। देखिए, पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन इस सस्पेंशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, पर इस तरीके से सिलेक्टिव टारगेटिंग करके पहले सस्पेंशन होना, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन होना, और फिर आप उन्हीं पार्टीज को न्योता दो जिनके लोग सस्पेंडेड है बातचीत के लिए, तो ये दिखाता है कि ये डिवाइड एंड रूल में बिलीव करते हैं। हम एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनकर लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर उनको सच में कोई रेजोल्यूशन ढूंढना है तो सारी पार्टीज को बुलाना महत्वपूर्ण। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन पार्टियों के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें जो है आपकी भी पार्टी है, आप खुद हैं, तो उन सबको जो बातचीत के लिए बुलाया गया है, तो इस पर बंटवारा कहाँ? सिंपल है, डीएमके हो, आरजेडी हो, सपा हो, उनके भले ही कोई भी सांसद निलंबित नहीं हुए थे, पर वो सब हमारी लड़ाई में खड़े हुए हमारे साथ हैं। हम एकजुट हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, और इस तरीके से फूट डालने का काम हम कतई सहेंगे नहीं। और आज विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के कुछ तय हुआ है, संसद में घेरेगा? नहीं, हमें बस ये है कि पहले वो जवाब दे कि किस संविधान के अंतर्गत इन्होंने हमें 12 सस्पेंडेड एमपीज को सस्पेंड किया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है, क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूल्स हैं जिसके आधार पे किया है, उसी के लिए हम कोऑपरेशन नहीं कर सकते। यानी साफ तौर पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार कुछ पार्टियों को बुला रही है, एक तरह से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश कर रही है, और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इस वजह से जो विपक्षी पार्टियों की बैठक, उसमें फैसला लिया गया है कि विपक्ष सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं जाएगा। इसका मतलब साफ है कि संसद में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गतिरोध आज भी जारी रहेगा। अंकित गुप्ता, आईबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।